हरे कृष्णा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय दो श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्या युक्तासि मत्परः वसे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय दो श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासि मत्परः वसे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। श्रीमद्भगवद्गीता अध्याय दो श्लोक संख्या 61। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वसे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परं वसे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्णा। यस, आप में से कोई और पढ़ेगा? अजीत ब्रो। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वसे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यस, ऑनलाइन पढ़िए प्रभुदेव। नेक्स्ट पढ़ते जाइए, अगला हरि बोल पढ़िए। हरि बोल। हरे कृष्ण ब्रो। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वसे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गुड। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्ण प्रभु। यस, नेक्स्ट। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परं वसे हि अस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और कोई? राकेश सिंह आप पढ़ना चाह रहे हैं, पढ़िए। ओके, माधव जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। डन। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः वसे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्परः यवसे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभुजी। दंडवत् प्रणाम। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्पर वशे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दंडवत् प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्ण। तानि सर्वाणि संयम्य युक्तासीत् मत्पर वशे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। गुड। हरि बोल। हरे प्रणाम। सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभुजी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरि बोल। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभुजी। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वसे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभुजी। हरे कृष्ण प्रभुजी। दंडवत् प्रणाम। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वसे हि अस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हरे कृष्ण प्रभुजी। दंडवत्। और कोई?
हरे कृष्ण प्रभु जी तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशेहि यस्य इन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद जी ओके और कोई हरे कृष्ण प्रभु जी तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परः वशेहि यस्य इन्द्रियाणि माता जी ये भगवत गीता है, एक दिन आएंगी दस दिन गायब रहेंगी तो कुछ नहीं आएगा दिमाग में, ठीक है ओके नेक्स्ट सोनाक्षी माता जी प्रभु जी दंडवत प्रणाम तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वशेहि यशेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता हरे कृष्ण दादा देखते हैं तानि उन इंद्रियों को सर्वाणि समस्त संयम्य वश में करके युक्त लगा हुआ आशित स्थित होना मत पर मुझमें वशे पूर्णतया वश में ही निश्चय ही यश जिसकी इंद्रियाणि इंद्रियां तस्य उसकी प्रज्ञा चेतना प्रतिष्ठिता स्थिर अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री भक्ति वेदान स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्र संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हरे कृष्णा तो आप सभी भक्तों का स्वागत है थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक दूसरे अध्याय के 61वें श्लोक पे चर्चा कर रहे हैं ठीक है आइए इस श्लोक को हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं लेकिन इससे पहले हम लोग आगे बढ़े कल क्या चर्चा हुआ था यस प्रिया माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम दंडवत कल के श्लोक में चर्चा की थी कि इंद्रियों को वश में करना अत्यंत कठिन है ये सिर्फ कृष्ण चरणा बिंदु में अगर हम अपना मन लगाते हैं तभी ये भौतिक कार्यों को बंद कर सकते हैं okay, जैसे परम साधु यमुनाचार्य ने एक एग्जांपल दिया था कि जब भी मेरा मन कृष्ण भगवान के चरणा बिंदु में लगता है जब से तब लगा मैं दिव्य रस का दिव्य रस का अनुभव करता हूँ उसके बाद से जब भी उनके विचार में स्त्री प्रसंग आता है तो उनका मन थू थू करता है वेरी नाइस बहुत अच्छा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी ओके यस सोनाक्षी माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी कल ये भी देखे थे कि इंद्रिय इतनी प्रबल है कि जो बहुत अच्छे अच्छे साधक होते हैं उनको भी वेरी गुड बहुत अच्छा ये अच्छा पॉइंट है ठीक है तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा था इंद्रियां एकदम डकैत की तरह कार्य करती हैं कैसे कार्य करती हैं डकैत की तरह पक्कन पट्टी पे बंदूक सटा करके लूट लेती हैं जबरदस्ती परमाथिनी परसभम मनः मन को हर लेती है कौन इंद्रियां याद है ना तो लिंक यह है कल के क्लास की बहुत अच्छी तरह से प्रयास करने वाले व्यक्ति की इंद्रियां भी मन को हर लेती हैं तो फिर कैसे होगा तो अब यहाँ पे इसको कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य उन सारी इंद्रियों को संयमित करते हुए युक्त आसीत मत पर मुझमें लगा समझ रहे हैं कि भाई जब बहुत मेहनत कर रहा है व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए जब उसका भी मन हर लिया जाता है इंद्रियों के द्वारा अरे तब तो कैसे होगा कैसे रोका जाए तो भगवान कह रहे हैं तानि सर्वाणि संयम्य उन सारी इंद्रियों को संयमित करते हुए युक्त आसीत मत पर सारे युक्त मतलब क्या होता इंगेज करो किस में मत पर मुझमें भगवान में लगाओ क्लियर है केवल इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से संयमित करने का प्रयास करेंगे नहीं 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 अब मैं ये काम नहीं करूंगा नहीं हो पाएगा नहीं हो जाएगा नहीं हो पाएगा ध्यान रखिएगा क्या करना पड़ेगा युक्त आसित मत पर किस में लगाना पड़ेगा इंद्रियों को भगवान की सेवा अभी देखिएगा उदाहरण बहुत अच्छा आएगा कैसे भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाना चाहिए केवल इंद्रियों को स्वतंत्र रूप से संयमित करने वाला व्यक्ति कभी स्थित प्रज्ञ नहीं हो सकता उसकी इंद्रियां भगवान से लगेंगी सेवा में लगेंगी तभी वह स्थित प्रज्ञ हो सकता है नहीं तो कभी भी गिर जाएगा
वसे ही अस इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, उसकी चेतना क्या है, प्रतिष्ठित है, वह समाधिस्थ है, स्थित प्रज्ञा व्यक्ति है। लिंक समझ गए, समझ रहे ना? कल प्रभु आपने बताया कि डकैत की तरह कार्य करती है। अरे तब हम कैसे इंद्रिय को कंट्रोल करेंगे? तो भगवान कह रहे हैं चिंता मत करो, चिंता मत करो, तानी सर्वानि संयम, या सारी इंद्रियों को संयमित करो, युक्तासित मत पर मुझ पर डाल दो, वसे ही अस इंद्रियानि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। और अगर मुझ में लगा दोगे तो क्या हो जाएगा फिर, वह व्यक्ति क्या हो जाएगा, स्थित प्रज्ञा वह व्यक्ति हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना भगवद गीता, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हैं, अरे बोलो है ना? तो पहले नहीं आ रहा था, अब आ रहा है। क्यों? क्योंकि आप अब समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने मन को अपने इंद्रिय को भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी आप छोड़ दीजिए लगाने के लिए, आप देखेंगे कि नहीं आएगा, दहाई से नहीं आएगा। छोड़ने की जरूरत नहीं है, खाली बोल रहा हूँ भावार्थ अनुवाद। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना मुझमें स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। गीता भूषण टीका। यहाँ तक कि जिन लोगों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है उनके लिए भी आत्म अनुभव नहीं होता है तो आत्मा की अनुभूति करने का क्या साधन क्या है? समझ रहे हैं? ये प्रश्न कर रहे हैं कि भाई कल आप बताए कि इंद्रियानि प्रमाथिनि परसभम मनः बहुत कठोर है और कभी भी गिर सकती है डकैत की तरह, वह भी आत्मा का अनुभूति नहीं कर सकता, तो फिर आत्म अनुभूति का क्या कारण है? जैसे ज्ञानी लोग सम और दम में बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, इंद्रियों को कंट्रोल करने बड़ा एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वह उनको भगवत साक्षात्कार हो गया है। इसलिए यहाँ पर दोनों बातें ध्यान में रखनी चाहिए। स्क्रीन लॉक है, उसका बंद है कैमरा, कैसे बंद है? तो कह रहे हैं इसलिए यहाँ पे दोनों बातें ध्यान रखनी होगी। जब तक हम भगवान की सेवा नहीं करेंगे तब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हो पाएगा, आत्म साक्षात्कार प्राप्त नहीं होगा, यह बात ध्यान रखिएगा। केवल इंद्रियों को विषयों से हटा लेने से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार ही नहीं हो जाता है, उसको भगवान की सेवा में लगा रहे हैं तो लगाना पड़ेगा। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, ये प्रश्न है कि भाई तब आत्मानुभूति कैसे होगा? तो कह रहे हैं तानि सर्वानि संयम्य, अर्थात अपनी सभी इंद्रियों को संयमित करते हुए और मत परह, अर्थात मेरी प्रति भक्ति में निष्ठ होते हुए और युक्तः अर्थात आत्मज्ञान में समाधिस्थ होते हुए है आसित अर्थात स्थित रहता है आसित अर्थात स्थित रहे। दूसरे शब्दों में मेरे प्रति भक्ति के प्रभाव से और सभी इंद्रियों का निग्रह करते हुए बहुत शीघ्र ही वह आत्मा का दर्शन प्राप्त कर पाता है। ठीक है, क्लियर है? कैसे? अपनी सभी इंद्रियों को कहाँ लगा करके? भगवान की सेवा में। इसको हम हरिदास ठाकुर के मुख से सुनते हैं कि जो व्यक्ति भगवान का भजन करता है और अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, जब कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों को संयमित करता है और भगवान का भजन करता है तब वह प्रेम प्राप्त कर सकता है। बहुत साधारण सी बात है। अगर हम बोतल में जल भरना चाहते हैं और उसके पीछे में एक छेद कर दें तो बोतल तुरंत भर जाएगा कि नहीं भरेगा, बोलो? हाँ भरेगा, भर भी जाएगा तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यह बहुत आवश्यक है। प्रेम प्राप्ति करने के लिए हमें इंद्रियों को संयमित करना पड़ेगा और इन ध्यान देना पड़ेगा कि इंद्रियों को हम भोग में ना लगाएं, हम भक्ति में नियोजित करें। जैसे कि उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं अत्याहार क्या था, प्रसासस्य च प्रयासस्य च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगम लौल्यम जनसंगस्य लौल्यम च षड्भिर् भक्तिर् विनश्यति। और वहीं कहते हैं उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्मा प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ते षड्भिर् भक्ति प्रसिद्ध थी। वहाँ पे उपदेशामृत में रूप गोस्वामी कहते हैं कि छह चीज है जो जिससे भक्ति बढ़ती है और छह चीज है जिससे भक्ति घटती है। केवल छह चीजें हैं, ध्यान दिखिएगा, सातवां कुछ नहीं है। तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन समझना यह है कि भगवान की सेवा में प्रवृत्त होना और अपने इंद्रियों को भोगों से हटाना, आप कहेंगे कि हमें पता है लेकिन फिर भी गलती करते हैं, तो इसे कहते हैं अन्वय और वैतिरिक्त। डायरेक्टली भगवान की भक्ति में लगना, अन्वय और वैतिरिक्त मतलब अपराधों से
बचते हुए। डायरेक्टली भगवान की शक्ति भक्ति करना, डायरेक्ट भगवान की भक्ति क्या है, श्रवण कीर्तन स्मरण है ना, पाद सेवन अर्चन दास, ये सब जो है सो डायरेक्ट भगवान की भक्ति है। और अपराध नहीं करना, यह वैतिरेय हो गया। तो अपराध नहीं करना और डायरेक्टली भगवान की भक्ति करना, यही यह सीखते हुए व्यक्ति व्यक्ति को भक्ति करना चाहिए। अनुकूलस्य संकल्पः और प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अपराध नहीं करना है और डायरेक्टली भगवान की भक्ति करना, तो जो अनुकूल है उसे स्वीकार करना और जो अनुकूल नहीं है उसे त्याग करना। तो यह करते हुए व्यक्ति जब इंद्रियों को संयम करता है तो वह भगवान का आत्म साक्षात्कार कर सकता है, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकता है, भक्ति में आगे बढ़ सकता है। ठीक है, आगे स्मृति शास्त्र में ऐसा वर्णन है, यथाग्निर उद्धत शीख कक्षम दहित शाणिल तथा चित्त स्थितो विष्णु योगिनाम सर्वकिल विषम। जिस प्रकार ऊपर उठती हुई, देखिए बहुत सुंदर, जिस प्रकार ऊपर उठती हुई लपटों से युक्त अग्नि वायु की सहायता से सूखी लकड़ी को जला देती है, उसी तरह भगवान विष्णु हृदय में स्थित होते हुए एक योगी के समस्त पापों को जला देते हैं। विष्णु पुराण 6.7.74। यह उदाहरण क्यों दिया जा रहा है कि लकड़ी में अग्नि जैसे ही उठती लगती है तो वह क्या करता है, जला देती है। देखिए समझिए इसको, यह उदाहरण क्यों दिया था, क्योंकि अग्नि कहाँ है, लकड़ी के अंदर है कि नहीं है, लकड़ी अग्नि के अंदर है या नहीं है, अग्नि है ना, लकड़ी के अंदर अग्नि है, और हमारे हृदय में भगवान हैं, लेकिन लकड़ी यहाँ रख देंगे तो आग लग जाएगी। उस लकड़ी में अग्नि को अगर आपको प्रकाशित करना है, प्रकट करना, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ क्रिया करनी पड़ेगी, जैसे कि या तो आप लकड़ी से लकड़ी को घिसे, हाँ लकड़ी से लकड़ी को घिसे, एक ऑप्शन ये है। दूसरा, मंत्र से भी उसमें अग्नि प्रज्वलित किया जा सकता है। और तीसरा क्या है, मैच बॉक्स, आग मारो, है ना, तो फिर वह आग लगाओ तो फिर अग्नि प्रकट हो जाएगी। तो उसी प्रकार से हृदय में भगवान है, लेकिन भगवान को प्रकट करने के क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रोसेस करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, तब भगवान प्रकट हो जाएंगे। अब देखिए, अग्नि में लकड़ी है, लेकिन लकड़ी को रख देंगे तो निष्क्रिय रहेगा, कुछ करेगा वो, अपने से कुछ नहीं करेगा। उसको पानी में डालेंगे तो भीग जाऊंगा, सुखाओगे तो सूख जाऊंगा, अग्नि में डालोगे जल जाऊंगा। तो ऐसे ही भगवान हृदय में है और निष्क्रिय रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तुमको पाप करना है, करो, पुण्य करना है, करो। और जैसे ही भगवान की भक्ति करना प्रारंभ करते हैं, तुरंत फिर भगवान प्रकट हो जाते हैं। समझ रहे हैं, कितना सुंदर उदाहरण है, कोई डाउट है क्या, बोलो बोलो, कोई डाउट है। जिन भक्तों को संभव हो अपना कैमरा ऑन रखें, कोई डाउट है क्या प्रिया माता जी? नहीं प्रभु जी। क्लियर है, समझ रहे हैं? तो भगवान उसी प्रकार से रहते हैं। ठीक है, तो भक्ति करने से व्यक्ति को पाप करने की जो प्रवृत्ति होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। और भगवान के भजन को पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट कर ही देता है, और भगवान के भजन में ही व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है पाप करने, पाप की प्रवृत्ति को नष्ट करने के लिए। यह बात हृदय में एकदम स्पष्ट देखना चाहिए कि भक्ति करते हुए अगर हमें भगवान की कथा में रुचि नहीं है, रुचि नहीं हो रही, आग्रह नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं हम गड़बड़ क्या कर रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है क्या, कथा सुनना, और होना ही चाहिए। या पहले जितना था उससे अगर कम हो गया तो कहीं ना कुछ गलती कर रहे हैं, समझ रहे हैं? कोई वक्ता अच्छा नहीं लग रहा है सुनने पर, जी किसका कथा सुने, कोई आजकल इस्कॉन के भक्त अच्छे नहीं मिलते हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकें तो है ना, पढ़िए। और किसी में श्रद्धा नहीं है, प्रभुपाद जी में तो है ना। प्रभुपाद जी कहते हैं, मान लीजिए सारे इस्कॉन के भक्त नियुक्त किया है, कोई किसी का क्लास आपको अच्छा नहीं लगता, अरे आपके गुरु महाराज तो है ना, उनका लेक्चर तो सुन सकते हैं ना, है? तो अगर कमी हो रही है तो समझिए कुछ आप गड़बड़ कर रहे हैं। तो यह एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की स्थिति है जिसकी इंद्रियां संयमित है। यह उस प्रश्न का उत्तर है जिसमें पूछा गया था कि वह अपनी इंद्रियों को संयमित करते हुए कैसे बढ़ता है, किमासित।
तो 6 श्लोकों में भगवान ने इसका वर्णन किया कि वह व्यक्ति किम आसीत, मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति किस प्रकार से बैठता है, ठीक है, इंद्रियों को संयमित, और अगर इंद्रियों को संयमित नहीं करेगा तो कैसे होगा, क्या होगा। ओके, तात्पर्य कौन पढ़ेंगे, सोनू प्रभु पढ़ेंगे, हाँ सोनू प्रभु को पढ़ने दो, चलो कम ऑन, नोट्स रखना चाहिए सामने, नोट्स दो उसको, जल्दी जल्दी शुरू करो, लेट नहीं। पढ़ो पढ़ो, हिंदी है, आप तो हिंदी पढ़ते ही हो, मैं ओके ठीक है, शुरू करो जल्दी। तात्पर्य में श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, इस श्लोक में बताया गया है कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है। अच्छा, इस श्लोक में क्या ऐसा है कि प्रभुपाद जी यह लाइन लिख रहे हैं कि योग सिद्धि की चरम अनुभूति कृष्ण भावनामृत ही है, क्या है इस श्लोक में, बोलिए। मत परह, जब जीव भगवान की सेवा में लगेगा तभी उसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त हो पाएगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए यह लाइन लिख रहे हैं। बाकी अन्य योग में भगवान की सेवा नहीं है, ज्ञान योग में, अष्टांग योग में भगवान की सेवा नहीं है, मत परता नारायण परता केवल भगवान की सेवा में, और सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग के द्वारा ही भगवान की अनुभूति होती है, अतः मत पर शब्द यहाँ पे लिया गया है। जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव ही नहीं है, संभव नहीं है। देखिए, इंद्रियों का सच्चा सुख भगवान की सेवा में है, ठीक है, अगर भगवान की सेवा नहीं करेंगे और खाली कहेंगे यह नहीं करो वह नहीं करो, खाली उसको रोकेंगे तो वह कब तक करेगा, नहीं, केवल सूखा रूखा खिलाते रहेंगे तो कब तक खाएगा, उसको कुछ देना पड़ेगा, वास्तविक सुख भगवान की सेवा में उसको अनुभव होना पड़ेगा। तो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, लेकिन जब उसे भगवान की सेवा में जब सुख मिलता है तब उस कारण से उसे संयमित करना बड़ा आसान हो जाता है। यस, जब तक कोई कृष्ण भावनामित में कृष्ण भावना भावित नहीं होता तब तक इंद्रियों को वश में करना संभव नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, दुर्वासा मुनि का झगड़ा महाराज अम्बरीश से हुआ क्योंकि वे गर्ववश महाराज अम्बरीश पर क्रुद्ध हो गए। क्या गर्व था दुर्वासा मुनि को, बाल ब्रह्मचारी तपस्वी, ये देखो बच्चे उत्पन्न करने वाला राजा गृहस्थ मेरे सामने खड़ा रहेगा, हमसे पहले खा लेगा। बेचारे ने खाया था, नहीं खाया था, दो बूंद जल पिया था अपने उपवास को तोड़ने के लिए, तो ये सब उनको गर्व था। यस, जिससे अपने इंद्रियों को रोक नहीं पाए। ध्यान दीजिएगा, क्रोध है, अगर व्यक्ति को क्रोध है तो काम भी है, ठीक है, जैसे धुआं है तो उस स्थान पर अग्नि है। काम केवल स्त्री की भावना ही नहीं है, अपने को मध्य में रखना, अपने को सेंटर में रखने की जो यह भावना है ना, यह भी काम है, अपने को गर्वित करना, तो इसे कहते हैं कामानुज, क्रोध को, काम का छोटा भाई है कौन, क्रोध। यस, दूसरी ओर यद्यपि राजा मुनि के समान योगी ना था किंतु वह कृष्ण का भक्त था और उसने मुनि के सारे अन्याय सह लिए। जिससे वह विजय हुआ। अच्छा, विजय किनसे वह हुए थे, दुर्वासा ऋषि से, अपनी इंद्रियों पर विजय थे। यस, राजा अपने इंद्रियों को वश में कर सका क्योंकि उसमें निम्नलिखित गुण थे। अच्छा, एक बात बताइए कि महाराज अम्बरीश या कोई भी भक्त इतने सहिष्णु क्यों होते हैं, क्योंकि वे भगवान के भक्त। अच्छा है, देखिए दुर्वासा ऋषि इतना सब कुछ सहन कर लिए है ना, कितनी तपस्या की है, ठंड में गर्मी में सब कुछ, लेकिन क्रोध हो गया क्यों, और वही अम्बरीश महाराज कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि उनको भगवान की भक्ति से इतना सुख मिल रहा था कि वह मान अपमान की आशा ही नहीं कर रहे थे। उद्धव जी प्रश्न करते हैं कि एक महान व्यक्ति को भी या फिर एक छोटा सा व्यक्ति को भी कुछ कष्ट हो जाता है, किसी का अपमान हो तो सहन नहीं कर सकता, प्रभु आपके भक्त में ऐसा क्या है कि वो लोग सहन कर लेते हैं,
तो वो कहते हैं कि क्योंकि उसे वो मेरी भक्ति का सुख प्राप्त करता रहता है। ठीक है, यस। जिनका उल्लेख श्रीमद् भागवत में हुआ है, सवे मनः कृष्ण पदारविन्द्योर्वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादीश श्रुतिम चक्र चक्राच्युतम अच्युत अच्युत सकथतोदय मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो तद्भृत्य गातर स्पर्शे तद्भृत्य गात स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलसया रसनाम तदार्पिते पादो हरे क्षेत्र पदानु पादो क्या है एक सेकंड पादो हरे क्षेत्र पदानु शर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवंदने कामं च दाश्यन तु काम काम्या यतो यथोत्तम श्लोक जनाश्रय रति। लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से, ये देखिए पूरा प्रोसेस है, ये दो श्लोक 18-20 पूरा प्रोसेस है किसका, कि किस प्रकार से आप अपने मन को भगवान में लगा सकते हैं अथवा किस प्रकार से भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। 9.4.18.20 ये पूरा का पूरा फॉर्मूला दिया गया है कि भगवान में कैसे आप अपनी मति को लगा सकते हैं, भगवान से कैसे प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए तो कैसे प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, तो कह रहे हैं सवे मनः कृष्ण पदारविन्द्यो। अम्बरीश महाराज ने जो किया, अगर आप भी वह करेंगे, और ध्यान रखिएगा केवल अम्बरीश महाराज नहीं, जो व्यक्ति यह कार्य करेगा उसको कृष्ण प्रेम तुरंत प्राप्त हो जाएगा। नोट इट डाउन, कोई भी व्यक्ति, इसलिए इसको नोट कर लीजिए। क्या करना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए, सवे मनः कृष्ण पदारविन्दे, अपने मन को अम्बरीश महाराज ने क्या किया, भगवान के कृष्ण के चरणों में लगाया। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, वाणी को भगवान के गुणों को गाने में लगाया, लीला को गाने में लगाया। करो हरेर मंदिर मार्जन आदिशु, हाथों को क्या किया, भगवान के मंदिर की सेवा में लगाया, मंदिर को मार्जन करने में, धोने इत्यादि में लगाया। उसके बाद श्रुति, श्रुति है ना, सवे मन कृष्ण पदारविंदो वैकुंठ गुणानुवर्णने, करो हरेर मंदिर मार करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चक्राच्युत सतकथ कथोदय। और क्या किया, श्रुतिम चक्राच्युत सतकथोदय, कान को अच्युत भगवान श्री कृष्ण की सत्य कथा सुनने में लगाया। मुकुंद लिंगालय दर्शने दृशो, आंखों को क्या किया, भगवान के विग्रह के दर्शन करने में लगाया। मुकुंद लिंग का एक और अर्थ होता है वैष्णव, तो उन्होंने आंखों को क्या किया, वैष्णवों के दर्शन में भी लगाया, क्योंकि वैष्णव क्या है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। वैष्णव भी भगवत स्वरूप होते हैं, भगवान उनके हृदय में निवास करते हैं, तो उनके उनको देखने में, भगवान के विग्रह को देखने में उन्होंने लगाया। तद भृत्य आगात स्पर्शेश स्पर्श अंग संगमम, भगवान के भक्तों अपने हाथों को क्या किया, अपने स्पर्श इंद्रियों को क्या किया, भगवान के भक्तों को स्पर्श करने में लगाया, उनके वपु सेवा में लगाया, जैसे चरण सेवा हो गया या फिर जो भी सेवा हो गया उसमें लगाया। घ्राणाम च तत्पाद सरोज सौरभे, ठीक है, भगवान के भक्तों को ये किया और उनके घ्राणाम च तत्पाद सरोज सौरभे, उन्होंने क्या किया, भगवान को जो अर्पित किए हुए तुलसी हैं, फूल हैं, इत्र हैं, उसको सूंघने में अपनी क्या कहते हैं उसको अग्र मतलब सूंघने में नाक को लगाया, समझ रहे हैं। और श्रीमत तुलसी रसनाम तद अर्पितम, और उन्होंने क्या किया कि भगवान को अर्पित जो तुलसी है अथवा प्रसाद है उसको खाने में लगाया। पादो हरे क्षेत्र पदानु सर्पणे, पैरों को भगवान हरि के क्षेत्र जैसे मायापुर वृंदावन अयोध्या इत्यादि जाने में लगाया। कामम च दाशे, अच्छा शिरो ऋषि के पदाभिवंदने, अपने सिर को भगवान के चरणों में झुकाने में लगाया। कामम च दाश्य नतु काम काम्यया,
अपनी इच्छाओं को भगवान की सेवाओं में लगाया और भोग की प्राप्ति के लिए नहीं लगाया। यथोते मश्लोक कज नास्त्रयः रति ही। इस प्रकार से भगवान उत्तम श्लोक में उनका जो प्रेम है वह क्या हो गया, जागृत हो गया। यह प्रेम जागृत करने का साधारण सा सिद्धांत है। अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा दीजिए, भगवान तुरंत प्रेम दे देंगे। हो ही नहीं सकता है कि नहीं देंगे। और केवल ऐसा नहीं कि अम्बरीश महाराज को मिलेगा, विवेक को भी मिलेगा, भूदेव को भी मिलेगा। अपनी इंद्रियों को लगाओ तो सही। तो सभी को अगर यह प्रोसेस, कोई भी व्यक्ति इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उनको प्रेम प्राप्त होगा। और सभी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं है कि अगर नाम का महत्व कहा रहा है तो प्रसाद का महत्व नहीं, सबका महत्व है। या वैष्णव को प्रणाम नहीं करना, नहीं, तो सभी कुछ करने का प्रयास करना चाहिए, ठीक है। और धीरे धीरे करके अपने आप भक्ति मिल जाती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी हम वो सूंघने वाले स्मेल करते तो उसको महत्व नहीं देते, अरे क्या स्मेल करेंगे। परम पूज्य वृंदावन चंद्र गोस्वामी महाराज बताए, बड़ा अद्भुत है ये सूंघना और बहुत पावरफुल है। महाराज बताए जैसे कोई सांप काट ले तो सांप काटने के बाद उसको क्या दिया जाता है, कोई जड़ी दिया जाता है, खिलाया नहीं जाता, उसे सूंघाया जाता है और सूंघने से सांप के जहर को उतर जाता है। ऐसे ही भगवान का जो है इत्र इत्यादि, तुलसी फूल इत्यादि, सूंघने मात्र से हमारे हृदय का जो जहर है वो क्या होता है, खत्म हो जाता है। यस। राजा अम्बरीश ने अपना मन भगवान कृष्ण के चरणारविंदों पर स्थिर कर दिया। अपनी वाणी भगवान के धाम की चर्चा करने में लगा दी, अपने कानों को भगवान की लीलाओं को सुनने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर साफ करने में, अपनी आँखों को भगवान का स्वरूप देखने में, अपने शरीर को भक्त के शरीर का स्पर्श करने में, अपनी नाक को भगवान के चरणारविंदों पर भेंट किए गए फूलों की गंध सूंघने में, अपनी जीव को उन्हें अर्पित तुलसी दलों का आस्वाद करने में, अपने पांवों को जहां जहां भगवान के मंदिर हैं उन स्थानों की यात्रा करने में। हाँ हाँ, और एक चीज़ यहाँ पे नोट करिए, हम लोग मायापुर जा रहे हैं, आप भी चल सकते हैं, ठीक है। कब है डेट? 1 तारीख को जा रहे हैं, ओके। तो अगर आप मायापुर आना चाहते हैं, यू कैन कम विथ अस, ठीक है। सो और इसके साथ और भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ पे, ठीक है। सो डोंट मिस। यस। अपने सर को भगवान को नमस्कार करने में तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं को पूरा करने में लगा दिया। अच्छा, भगवान की इच्छा क्या है? सभी जीव भगवान की तरफ आ जाए। तो अगर भगवान की इच्छा पूर्ण करने में हम थोड़ा सा भी मदद करते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, समझ रहे। जैसे कि आप उन बच्चों को लेकर के आ रहे हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, इसे बहुत प्रसन्न होते हैं। एक भी व्यक्ति को हम जीवन में भगवान की तरफ उन्मुख कर दिए, जैसे भी हो, प्रसाद दे करके, पुस्तक दे करके, भगवान की कथा बता करके, भगवान का नाम लिया करके, तो भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं, इसे बहुत संतुष्ट करता है इसे भगवान को। यस। और इन गुणों के कारण वे भगवान के मत पर भक्त बनने के योग्य हो गए। मत पर बड़ा महत्वपूर्ण है। नारायण सर्वे न कुतश्चन विव्यति स्वर्गा अपवर्ग नरकेश्वसु तुल्य दर्शिनः। जो मत पर व्यक्ति है ना, उसके लिए जो नारायण पर है, जो भगवान की भक्ति में लगा, उसके स्वर्ग में या फिर नरक में सब उसमें कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। प्रभा जी इसलिए इसको ले रहे हैं मतपरता को, प्रभा जी समझा रहे हैं कि कैसे कृष्ण की सेवा में हमें करना चाहिए, जिस प्रकार से हर इंद्रियों को क्या करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। महाराज कहे कोई ऐसी पत्नी हो जो कहे हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा प्रेम करते, थोड़ा खाना बना दो ना, वो सब नहीं होगा हमसे, हाँ लेकिन हम आपसे बहुत प्रेम, थोड़ा झाड़ू मार दो ना, वो सब नहीं होगा, वो सब आप किसी दूसरे से करा लीजिए, अपने से कर लीजिए, हम ही से सब कराइएगा क्या, तो ये कैसा प्रेम, समझ रहे। या फिर केवल नाम जप करते रहे, मेरा पति, और सेवा ना करे, ऐसा नहीं, नाम जप के साथ सेवा भी करना पड़ेगा आपको। अब ठीक है, नाम जप अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत बड़ी सेवा है, लेकिन उस तरह से, उस तत्परता से हम नाम जप नहीं कर पाते ना, समझ रहे। विभिन्न प्रकार की सेवा से हमें भगवान में लगे रहे। जैसे प्रभा जी अपना उदाहरण देते हैं, सवेरे उठ करके लिखते हैं, जप करते हैं, मंगला आरती जाते हैं, पढ़ते हैं और फिर कीर्तन करते हैं, फिर प्रसाद लेते हैं, फिर कुछ लिखते हैं, फिर पढ़ते हैं,
तो इस प्रकार से अपना शेड्यूल बनाना चाहिए कि दिन भर भगवान की सेवा में लगा रहना चाहिए। और जो लगातार इस प्रकार से भगवान की सेवा में लगे रहता है तो भगवान क्या कहते हैं कि स्वयं ही उसको बुद्धि देते हैं जिसके द्वारा वह समझ जाए कि इसके द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो। और इस मत्प्रता के गुण के द्वारा हर परिस्थिति में व्यक्ति संतुष्ट रह सकता है। यस प्रभु। इस प्रसंग में मत पर शब्द अत्यंत सार्थक है। कोई मत पर किस तरह हो सकता है इसका वर्णन महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है। मत पर परंपरा के महान विद्वान तथा आचार्य श्री बलदेव विद्याभूषण का कहना है, मद भक्ति प्रभावेन सर्वेंद्रिय विजय पूर्विका स्वात्म दृष्टि सुलेभति भावः। इंद्रियों को केवल कृष्ण की भक्ति के बल से वश में किया गया जा सकता। मेरी भक्ति के प्रभाव से सभी इंद्रियों को जीतते हुए व्यक्ति आत्मदृष्टि को प्राप्त कर सकता है, भगवत साक्षात्कार आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकता है। यस। कभी कभी अग्नि का भी उदाहरण दिया जाता है। जिस प्रकार जलती हुई अग्नि कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं जला देती है, उसी प्रकार योगी के हृदय में स्थित भगवान विष्णु सारे मलों को जला देते हैं। योग सूत्र भी विष्णु का ध्यान आवश्यक बताता है। शून्य का नहीं तथा कथित योगी जो विष्णु पद को छोड़कर अन्य किसी वस्तु पर ध्यान धरते हैं, वे केवल मृग मरीचिकाओं की खोज में वृथा ही अपना समय गंवाता है। अच्छा, मृग मरीचिका में कितना पानी होता है? मृग मरीचिका में कितना पानी होता है? डुबांग नहीं होता, 2-4 लीटर तो होता होगा, 10 लीटर नहीं होता। बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि हिरण मृग मरीचिका में पानी देखता है तो उसके पीछे दौड़ता है, और जितना दौड़ता है उतना मृग मरीचिका क्या होती है और दूर जाती जाती है। पॉइंट नंबर एक। दूसरा, उसमें पानी नहीं होता है। तीसरा, हिरण का प्यास और बढ़ते जाता है और धीरे धीरे करके वो टाइट फिश। तो इस प्रकार से जगत की वस्तुओं का ध्यान करने से, शून्य का ध्यान करने से केवल तृष्णाएँ क्या होंगी, बढ़ेंगी, व्यक्ति दुख को ही प्राप्त होगा। इसलिए किसका ध्यान करना चाहिए? भगवान का। यस। हमें कृष्ण भावना भावित होना चाहिए, भगवान के प्रति अनुरक्त होना चाहिए। असली योग का यही उद्देश्य है। अरे भगवान, कुछ लोग कहते हैं अरे भगवान के प्रति आपको प्रेम है तो उसे दिखा क्यों रहे हैं। भगवान के प्रति अगर आपको प्रेम है तो आप उसे दिखा क्यों रहे हैं। ध्यान रखिए, क्योंकि प्रेम क्रियाओं द्वारा प्रकट होता है, होता है कि नहीं। अब आपकी माता कहे भूदेव हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, अब खाना ही नहीं दे तो कैसा प्रेम है? प्रेम है नहीं है। बहुत लोग कहते हैं भगवान को तुम मानते हो तो बेटा ध्यान करो, क्या ये हरे कृष्ण लेकर के माला जपते रहते हो, तिलक लगाते रहते हो, भगवान के सामने नाचते रहते हो, आरती करते हो, ये सब बेवकूफ़ों वाली बात है। ठीक है, अगर प्रेम है तो उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, उसकी क्रियाएं करनी पड़ेगी। जैसे श्रुति कृति प्रभु, आप जानते होंगे अभी वृंदावन में रहते हैं, जो प्रभुपाद जी के पर्सनल सर्वेंट थे, पर्सनल सेवक थे। तो वह एक बार प्रभुपाद से पूछे, प्रभुपाद आप आते हैं तो मैं देखता हूँ लोग नाचते हैं, रोते हैं, आप जाते हैं तो कोई आपको फूल माला पहनाते हैं, मुझे तो कुछ नहीं लगता है। तो कहे तुमको मेरी सेवा करना अच्छा लगता है? कहे हाँ। बोले यही प्रेम है, समझ रहे। अगर हम कहें कि अरे कहाँ फंस गए, ये कहें अरे प्रभु जी किधर फंसा दिए आप हम लोग को ला करके, यहाँ दिन भर आप हरे कृष्ण बोलते हैं करने के लिए, गीता पढ़ने के लिए, कभी बोलते हैं मंदिर साफ करो, कभी पोछा मारो, कभी बोलते हैं वो ऊपर भी क्या क्या लग गया उसको भी झाड़ो, वो भी सब क्या क्या करवाते हैं, आज तक हम लोग घर में भी नहीं किए तो फिर ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। भगवान के लिए सेवा करना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि अगर हरिनाम अच्छे से करेंगे तो हृदय हल्का होगा ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो नहीं होगा। जो आप अच्छे से माला करेंगे वैसे आपकी उत्साह सेवा के प्रति बढ़ जाएगी। अगर सेवा के प्रति उत्साह नहीं बढ़ रही है तो समझ लीजिए कि आपका जप जो है सो अच्छे से नहीं हो रहा है, और अगर जप में रुचि कम हो रही है तो समझ लीजिए कि आप सेवा अच्छे से नहीं कर रहे हैं। समझ रहे हैं, दोनों एक दूसरे से लिंक है। अगर आप सेवा अच्छे से करेंगे तो जप में रुचि बढ़ेगी, जप अच्छे से करेंगे तो सेवा में रुचि बढ़ेगी। ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथा रूप की।
जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की निताय गौ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कोई प्रश्न है क्या? पहले कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके सो नो क्वेश्चन हियर। यस सुनील प्रभु, राम सिद्धुगन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। या कल का प्रश्न था प्रभु, एक्चुअली जो वस्त्र के बारे में बताया था ना, सिला हुआ वस्त्र पहन कर भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। हाँ नहीं करनी चाहिए, अशुद्ध हो जाता सिला हुआ वस्त्र। तो सेवा मतलब डेटी वर्शिप या और बाकी सारे सेवा जैसा? डेटी वर्शिप स्पेशली, लेकिन और भी सारी सेवाओं में आप नहीं यूज करें तो अच्छा है। ठीक है। और माता जी के लिए क्या है, मतलब माता जी लोग भी सिला हुआ वस्त्र पहन करके नहीं सेवा कर सकती है। माता जी के लिए थोड़ी स्पेशल कुछ होगा। ठीक है, उनका भी तो सिला हुआ वस्त्र है। इसीलिए तो जनरली आप देखेंगे टेम्पल में डेटी वर्शिप अलाउ नहीं किया जाता है। ठीक है, तो साड़ी होनी चाहिए। लोगों को लगता है कि अरे ये तो हमारे खिलाफ षड्यंत्र है। षड्यंत्र नहीं, बचाने का प्रयास है। ठीक है, फिर भी कुछ इस प्रकार से डेवलप करते हैं ताकि वो कर सके। ठीक है, अब वो सब देख लीजिए, मुझे इतना ही पता है। ओके यस रिया माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दिनवत प्रणाम प्रभु जी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भगवान श्रीहरि नारायण या हमारे जो नरसिम्हा देव है वो भगवान श्रीहरि के इनकार्नेशन है। तो प्रभु जी जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें ये पॉइंट आता है कि जैसे दुर्गा माँ भगवान नरसिंह का अवतार लेकर के आती है, प्रहलाद महाराज को बचाती है, तो ये क्या कनेक्शन है? जैसे वहां पर छपाई है भाई, भागवत पुराण या अन्य पुराण के माध्यम से यही जानते हैं कि भगवान अवतार लेकर के आते हैं। अब दुर्गा माँ नरसिंह भगवान का अवतार लेकर के आए तो पहली बार हम सुन रहे हैं, क्योंकि दुर्गा चालीसा में ये पॉइंट लिखा हुआ है प्रभु जी। लिखा हुआ है पढ़े दुर्गा माता का चालीसा, ये तो मुझे नहीं पता। वेदव्यास जी ने किसने लिखा ये? तो मुझे नहीं पता प्रभु जी, लेकिन वैसे प्रभु जी कुछ लाइन ऐसे, धारा रूप नरसिंह को अम्बा प्रकट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरण्यकश्यप को स्वर्ग बैठायो, कुछ ऐसे करके है चौपाइयां हैं। पहली बात तो ये बताइए कि क्या वेदव्यास जी लिखे हुए हैं क्या? मुझे ये नहीं पता है प्रभु जी, लेकिन का चालीसा या फिर कोई वैलिड मतलब जो क्या कहते हैं कोई प्रमाणिक आचार्य जो लिखे हुए, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, रामानुजाचार्य, श्रीधर स्वामी, ये सब कोई लिखे हैं क्या? तो क्या प्रभु जी दुर्गा चालीसा गलत है? अब इस विषय में आप ही देख लीजिए, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन क्या आचार्यों के द्वारा प्रमाणिक तरीके से लिखा गया है और किस प्रकार से? अब ये बात भागवत में है, हर जगह प्रूफ किया जा रहा है कि हर जगह ये बोला जा रहा है कि नरसिंह भगवान भगवान से अवतार है, फिर इस प्रकार का पता नहीं। अब देवी दुर्गा के विषय में ये बता रहे हैं कि भगवान की निरंतर सत्ता है। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा।